सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। होप सो एकदम अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले MIUI 13 के लिए कुछ डिवाइसेज यहाँ पर एलिजिबल हो चुके हैं या फिर कौन कौन से डिवाइसेज जो एलिजिबल है MIUI 13 के अपडेट के लिए। एंड साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं POCO F1 डिवाइस के अपडेट के बारे में। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर अभी तक जो है MIUI 12.5 जो है इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है एंड यहाँ पर MIUI 13 के लिस्ट भी आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमें कौन कौन से यहाँ पर डिवाइस देखने को मिल जाते हैं जो कि एलिजिबल है MIUI 13 के लिए। तो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं रेडमी के जो डिवाइसेस है वो कौन कौन सी जो यहाँ पर एलिजिबल है MIUI 13 के लिए। तो रेडमी नोट 8 की जो सीरीज़ है वो यहाँ पर एलिजिबल है MIUI 13 के लिए। उसके बाद में रेडमी नोट 9 प्रो ये सीरीज़ भी एंड साथ ही साथ रेडमी 9A, रेडमी 9 प्राइम और यहाँ पे दोस्तों जो K20 सीरीज़ है वो भी यहाँ पर कम्प्लीटली एलिजिबल है MIUI 13 के अपडेट के लिए। K23 सीरीज़ यहाँ पर K30, K30 प्रो वगैरह एंड K40 सीरीज़ ये यहाँ पर एलिजिबल है MIUI 13 के अपडेट के लिए। एंड ऑब्वियसली उसके बाद में यहाँ पर जो Redmi Note 10 लॉन्च हुआ था उसकी सीरीज़ Note 10 प्रो की सीरीज़ जो यहाँ पर कम्प्लीटली एलिजिबल है MIUI 13 के अपडेट के लिए। सो उसके बाद में अगर हम बात कर ले यहाँ पर मी सीरीज़ के बारे में तो यहाँ पर जो मी 10 है, मी 10 लाइट, मी 10 की जो सीरीज़ है यहाँ पर एलिजिबल है MIUI 13 के अपडेट के लिए। मी 9, मी 9 प्रो वगैरह साथ ही साथ मी 11 जो लॉन्च हुआ था, मी अल्ट्रा, मी 11 अल्ट्रा वगैरह ये जो डिवाइसेज हैं एलिजिबल है MIUI 13 के अपडेट के लिए। मी नोट 10 की सीरीज जो है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। मेन चीज़ यहाँ पर जो कि है पोको की सीरीज़, यहाँ पर पोको के काफ़ी सारे डिवाइसेस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पोको F2 प्रो एलिजिबल है, साथ ही साथ पोको F3, पोको F3 GT एंड पोको X2, X3 एंड X3 NFC ये भी डिवाइस यहाँ पर एलिजिबल है। साथ ही साथ पोको M2, पोको M2 प्रो वगैरह ये डिवाइसेस एंड पोको M3, पोको M3 प्रो 5G एंड यहाँ पर POCO C3 जो यार डिवाइस है जो अभी भी रिलीज़ हुई थी, एक बजटेड डिवाइस थी, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है MIUI 13 के अपडेट के लिए। या फिर यहाँ पर जो हमारा रेडमी K20 सीरीज थी ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है एलिजिबल MIUI 13 के अपडेट के लिए। तो हमें यहाँ पर POCO F1 डिवाइस देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली यहाँ पर POCO F1 डिवाइस के लिए MIUI 12.5 का अपडेट आना अभी तक तो कन्फर्म नहीं हो चुका है, आएगा या नहीं आएगा ये भी कन्फर्म नहीं है। मगर यहाँ पे दोस्तों POCO F1 डिवाइसेस के कुछ यूज़र्स को यहाँ पर एक इशू फेस हो रहा है, उनका फ्रंट कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। सिंपली अगर वो फ्रंट कैमरा को ओपन कर दे तो उनका जो रियर कैमरा है वो यहाँ पर स्विच हो रहा है एंड इसकी वजह से फ्रंट कैमरा कुछ यूज़र्स जो है POCO F1 के वो यूज़ नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पर हमें POCO F1 डिवाइस में एक अपडेट देखने को मिल जाएगा जिसमें जो बग्स थे उनको फिक्स किया होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पर MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिलने वाला है। MIUI 12.5 अभी तक ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है POCO F1 डिवाइस के लिए। यहाँ पर जो हमें एक और अपडेट देखने को मिल जाएगा POCO F1 डिवाइस के लिए जिसमें सभी बग्स जो है फिक्स किए होंगे। काफ़ी सारे यूजर्स को यहाँ पर इशू फेस हो रहा है कैमरा ऐप का जो कि है उनका फ्रंट कैमरा यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। सो सिंपली एक अपडेट देखने को मिल जाएगा एंड हो सकता है उसके बाद में MIUI 12.5 भी देखने को मिल जाए। अगर यहाँ पर कुछ न्यूज़ निकल के आती है POCO F1 डिवाइस के लिए तो मैं आपको उसको जरूर से उसके बारे में बता दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टाटा एंड बाय बाय।